मैंने एक वीडियो देखा इंटरनेट पे जिसमें कुछ लोग शादी में कुछ डॉग्स को अल्कोहल फोर्सफुली फीड कर रहे थे। मैंने वो पोस्ट करा, लोगों से अपील करी, 5-6 घंटे में उनके नाम एड्रेस सब कुछ पता चल गया। अगले ही दिन हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई। कोई भी अगर करेगा ये चीज़ तो उसको एक डर रहेगा दैट हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ भले ही हमारे देश का कानून इतना सख्त है, लेकिन गरिमा ने उस क्रूर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उसे सजा दिलवाई। सिर्फ यही नहीं, 22 साल की गरिमा देहरादून उत्तराखंड में पिछले 3 सालों से जानवरों की जान बचा रही है और पिछले 1 साल से रेस्क्यूड बाय गरिमा नाम का शेल्टर चला रही है, जहाँ वो जानवरों का रेस्क्यू, उनकी ट्रीटमेंट और उनका अडॉप्शन करवाती है। अभी फिलहाल हम लोग स्मॉल एनिमल्स, डॉग्स हो गई, कैट्स हो गई, मेनली हम ये जानवर रेस्क्यू करते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े एनिमल्स को भी रेस्क्यू करें, बट अनफॉर्चुनेटली जगह की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्पॉट पे जाके उनको रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन गरिमा के इस नेक काम को करने की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक पे, रॉबिन भैया उसमें वीगनिज्म के बारे में कुछ बता रहे थे। हमारी वजह से एनिमल सफ़र करते हैं, हमारी नीड्स की वजह से। उसने मुझे इमोशनली इतना इफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी ये रेस्क्यूइंग जर्नी स्टार्ट हुई। जब लोग कॉल करके बोलते थे आपकी बेटी अच्छा काम कर रही है, तो पापा काफ़ी खुश होते थे। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई, बट मैंने एक ऐसा ही प्रोफेशन थोड़ा बहुत चूज़ कर लिया जिसमें मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। शेल्टर में जब कुछ चीज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से रुक जाती है, तो मैं बेझिझक अपने पापा से बोलती हूँ एंड वो हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में। पर इस बातचीत में गरिमा ने हमारे साथ एक बेहद दुखद वाक्य भी शेयर किया। केमाड़ी के जंगल में हमें एक डॉग मिला, वो पैरालिटिक था, स्पाइन टूटने की वजह से किसी ने उसे वहाँ पे छोड़ दिया। ब्लैडर में कंट्रोल नहीं था, प्रेशर पड़ता था, तो इस वजह से प्रॉपरली डायपर के साथ उसको हैंडल करना पड़ता था। फाइनली हमें एक कॉल आया देहरादून से ही कि वो लोग उसे अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने बताया क्या चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद एंजल को देखा 1.5-2 महीने बाद, वेट बहुत कम हो गया था उसके, पूरे दोनों के दोनों पैर जो पीछे से पैरालिटिक थे वो पूरे गल गए थे एंड स्वेलिंग इतनी हो गई थी, उसका पैर डबल साइज का हो गया था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसे वहाँ से लेके आते हैं। पर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले ही दिन एंजल के ओनर ने आके गरिमा की टीम के साथ हाथापाई भी की। या उसके बाद उसने दोबारा पूछा भी नहीं कि डॉग कहाँ है और कैसा है। ये केस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसिंग था एंड लास्ट में एंजल सर्वाइव भी नहीं कर पाया। गरिमा फिलहाल अपने 3 दोस्तों की मदद से इस शेल्टर को चला रही है, लेकिन इस नेक काम में उन्हें अब आपकी मदद की ज़रूरत है। वॉलंटियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारे यहाँ पे, तो कोई भी अगर देहरादून से है, थोड़ा आप अपना टाइम दे सकते हैं हमको, तो प्लीज़ आके हमारे साथ वॉलंटियर करिए। थोड़ा टाइम भी आपका बहुत डिफरेंस ला सकता है। एनिमल्स ज़्यादा हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जो प्रॉपर कंफर्ट हमें दे सकते हैं हम किसी भी बीमार जानवर को, वहाँ पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो हमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कोई हमें मेडिसिन भी डोनेट करता है या फूड डोनेट कर देता है, तो काफ़ी हमारी हेल्प हो जाती है उसमें। हमारे शेल्टर को देहरादून का पीपल फार्म कहा जाता है। जैसे पीपल फार्म में होता है बिग और स्मॉल, वी लव देम ऑल। मेरा सपना यही है कि हम एक ऐसे लेवल पे जाएं कि हम पीपल फार्म की तरह ही जितने भी जानवर हमारे आसपास में, हमारे सिटी में हो, हम सबको रेस्क्यू कर सकें।